नारायण 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 नारायण। गुरु पूजन के अवसर पर वे अपने आश्रम में चल रहा है। उस प्रसंग में हम लोग गुरु महिमा के प्याज से या गुरु महिमा को समझने के लिए उनके द्वारा प्रदत्त मंत्रों के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं।
इसके अनंतर कुछ और सावधानियां भी बताई जाती हैं, वो भी उनका अनुग्रह है। अभी इस मंगलवार को अंगार की संकष्टी थी, पूज्य मनु पीठाधीश्वर भगवान आए थे और उन्होंने गणेश पुराण की एक कथा का आख्यायिका का वर्णन किया। हम संक्षेप में जितना आवश्यक है उतना विषय प्रस्तुत करेंगे, शेष आप लोग स्वयं गणेश पुराण में देख सकते हैं, गीता प्रेस के अनुग्रह से सहज उपलब्ध है, भाषा में भी है। लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन के उत्पत्ति की कथा है। कार्तवीर्य तो पिताजी जी, उनके कोई संतान नहीं थी। नारद जी ने उन्हें एक सकाम अनुष्ठान का उपदेश दिया, मार्गदर्शन किया, उसकी समस्त विधि इत्यादि बताई और राजा ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक अन्य ब्राह्मणों ने भी बड़े प्रयास पूर्वक उस अनुष्ठान को संपन्न किया। परिणति में राजा के पुत्र तो हुआ, लेकिन केवल धड़ धड़ था, न उसके हाथ थे न पैर थे। अब राजा इस पुत्र की उत्पत्ति से न प्रसन्न हो सका और न दुखी ही हो सका। क्योंकि प्रसाद तो मिला तो राजा बहुत दुखी थे। तो एक दिन भगवान दत्तात्रेय स्वयं कृपा करते हुए आ गए। दत्त भगवान का अपार स्नेह है जीवों पे, न जाने किन किन रूपों में किसकी किसके ऊपर अनुग्रह करते रहते हैं और कल्याण का मार्ग का उपदेश देते हैं और जीवों कल्याण, इसलिए को तत्व गुरु कहा जाता है। राजा से कुशल क्षेम पूछा भगवान दत्तात्रेय ने, तो उन सब घटना बताई कि महाराज अब मैं क्या बताऊं। श्री नारद जी के उपदेश के अनुसार हमने अनुष्ठान किया, वंश की प्राप्ति के लिए पुत्र उत्पन्न तो हुआ, लेकिन न उसके हाथ है न पैर है, बड़ा तेजस्वी, बहुत ही ज्यादा तेजस्वी, लेकिन हाथ पैर नहीं है तो अपनी क्रिया भी करने में कहां सक्षम है। श्री दत्तात्रेय भगवान ने कहा, वत्स, महापुरुषों के बताए हुए वचनों में किसी प्रकार की न्यूनता का प्रश्न ही नहीं है। लगता है तुम्हारा कोई प्रत्यवाय बहुत बड़ा रहा होगा, जिसका एक परिणाम है। और फिर महापुरुष ने बैठ करके ध्यान किया, उस तेजस्वी बालक को देख दत्त भगवान भी प्रसन्न हो। उन्होंने राजा से कहा, वत्स, तुमने अनुष्ठान विधिवत किया, लेकिन जागरण के समय तुम्हें जम्वाई आती और जम्वाई आने के बाद आपने आचमन नहीं किया, तो ये उच्चिष्ट हो गया।
ये तुम्हारा अपराध हो गया है। इस अपराध का परिमार्जन करो। इसीलिए हम लोगों को कह देते हैं, हम तो निष्काम भाव से कर रहे हैं और पूरा प्रमाद कर लेते हैं। यद्यपि ये ठीक ही है कि निष्काम भाव से कर रहे हैं तो उतनी अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि अगर आप जप कर रहे हैं तो उसकी मर्यादा का यथावत नियम का पालन न करें, ये प्रमाद ही कहलाएगा। जब भी जमवाई आवे तो आचमन कर ले, अगर जल नहीं है तो ये अग्नि यहाँ है और ये है तो कान को और दहिने नाच का स्पर्श कर लो तो भी आचमन हो जाता है। मार्ग चलते हुए कुछ ऐसी घटना हो जाए तो ऐसे करके सूर्य के दर्शन कर लो, सभी तीर्थ। ये गौ माता सामने दिखाई पड़े तो उनके प्रणाम कर लेने से भी शुद्धि हो जाती है। अगर वैदिक विप्र, वेद पाठी विप्र, वैदिक ज्ञान संपन्न है तो कोई बात ही नहीं। यदि चंदन धारण करके, क्योंकि जब भी कोई वैदिक ब्राह्मण होगा खाली माथे कभी नहीं चलेगा। अगर कोई विशेष परिस्थिति है तभी बिना चंदन के रहेगा। वैसे तो हर साधक को कोई ना कोई अपना मस्तक पे तिलक धारण करना ही चाहिए। स्नान करने के बाद शरीर की शुद्धि तो हो जाती है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है। अंतःकरण की शुद्धि भी परमावश्यक है, अंदर की शुद्धि भी परमावश्यक है। इसलिए स्नान करने के बाद आचमन किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है, पुनराचमन किया जाता है, स्वरूप धारण किया जाता है, फिर गुरु का वंदन करके भगवान का ध्यान करना है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवा यह स्मरे कुंडली का क्षम सबाह्यभ्यंतर सुचि। लोग ऐसे मंत्र दोहरा देते हैं पूज्य विप्रदेवों के कहने से, इसका अर्थ समझ लो तो अच्छा है। कह रहे हैं आप पवित्र अवस्था में हैं या पवित्र अवस्था में हैं, आप किसी भी सर्वावस्थान कहीं भी परिस्थिति में हैं, यह स्मरे पुंडरी काक्षम, ये प्रामुख है। पुंडरी काक्षम माने कमल नयन भगवान श्री नारायण श्री रमण बिहारी श्री रघुनाथ, किसी भी रूप भगवान भोलेनाथ, ये सबके सब पुंडरी काक्ष ही है, कमल नयन है। कमले क्षणम कमलाननम भज कमलनाभम, तो ऐसे कमल नयन भगवान का ध्यान करने से स्मरे, प्रयास करके स्मरण करो, आदेश। तो यह स्मरे पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर शुचि, वो बाहर से तो शुचि होता ही है, अंदर से भी शुचि हो जाता है। इसका मतलब है जब भी कोई जप या कोई अनुष्ठान करे तो भगवान का ध्यान करके करे, जिसमें कि किसी भी प्रकार की प्राणायाम से भी पाप निवृत्त होते हैं और भगवान का ध्यान करने से अंतःकरण भगवदाकारित हो जाते हैं, तो उसमें से समस्त विकार निवृत्त हो जाते हैं, तो वो पवित्र हो जाता है।
अपनी वृत्तियों को पवित्र बनाया जाता है और इसीलिए भगवान का ध्यान करते हैं, अपने शरीर में न्यास करते हैं। न्यास का मतलब अपने एक एक अंग में भगवान के या अपने मंत्र के एक एक वर्ण को स्थापित करते हैं। अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कंष्टिकाभ्याम नमः, करकरपृष्ठाभ्याम नमः। ऐं अमुक नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखायै वशत् कवचाय हूँ, नेत्रत्रयावशत् वस्त्राय फट मन। तो इस तरह करने से आपका शरीर मंत्रमय हो जाता है या देवमय हो जाता है, जिस तरह का न्यास, जिस तरह का देव। इसके अनंतर अनुष्ठान करना, देवो भूत्वा देवम यजे। देव स्वरूप धारण करके देवता का यजन, ध्यान, पूजन करना चाहिए। इसीलिए वेद में लिखा है, पहले वेदियों का अलंकार करके स्वयं अलंकृत यज, अपना भी अलंकार करो। कई लोगों को हमने देखा है कि मैला फैला अंगोछा पहन करके और भगवान की पूजा में बैठ जाते हैं। आप अपने हृदय में विचार करो कि आपका उस पूजन के प्रति कितना समादर है। दो पैसे का अधिकारी आता है तो न जाने कैसा कैसा नाटक बना के श्रृंगार करते। कोई अपना रिश्तेदार आ जाता है तो हम कैसे अपने को सजा बजा के आते हैं। पर तीन लोगों का स्वामी, हमारा परमात्मा, हमारा सतगुरु सामने बैठा, उनकी पूजा करने के लिए हम मैला सैला नौछा और ऐसे गंदा फंदा पहन ले। अगर तुम्हारे मन में उनके प्रति आदर है तो आप अपने को अलंकृत, ये वेद की वाणी है, अपने को सजा बजा करके और तब भगवान की सेवा में प्रस्तुत हो। यशोदा मैया कैसा बढ़िया श्रृंगार करके और लाला के लिए जब दही बिरो करके मक्खन निकालती है तो कैसा बढ़िया श्रृंगार किया, भागवत में वर्णन है। चौमम वासा बड़े बढ़िया रेशमी कपड़े सब वर्णन है। तो इसलिए अलंकृत हो करके अच्छे से अच्छे कपड़े पहन करके तब से तिलक जरूर धारण करें। अगर नहीं भी हो तो जल से ही कर ले, लेकिन करना चाहिए। लोग शॉर्टकट कर लेते हैं, हमारे मित्र पांडे जो कहते थे अरे एयरपोर्ट मिल जाता है तो हम लोग प्रभात कर देते हैं, जल से कर लेते हैं, लेकिन करना। दक्षिण भारत में हमने देखा है कि सज्जन आए और हमको ना नमस्कार ना पुरस्कार, थोड़ी भस्म दे दो। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई नमस्कार नहीं, पुरस्कार नहीं, जय श्री कृष्ण नहीं, भस्म दे दो। हमने दे दी थोड़ी सी, तो उसने माथे पे लगाया और माथे पे लगा करके और इत्यादि मंत्र बोल करके साष्टांग परिपात किया। अरे मैंने कहा ये भस्म लगाने का चमत्कार है क्या? तो बताया महाराज जी मेरा माथा खाली था इसलिए आपको दंडवत नहीं कर सकता था, अब मैंने अलंकार धारण किया है, भस्म धारण किया, अब मैं आपको साष्टांग प्रणाम करूँ। मैंने कहा तू तो मेरे को दंडवत कर रहा हूँ, मैं तेरे मन से अंदर अंदर चुपचाप दंडवत कर रहा हूँ। वाह तूने मुझे आज उपदेश दे दिया, गुरु ने जाने किस रूप में आज उपदेश दे दिया। दक्षिण भारत में माताएं अगर कुछ नहीं मिला तो एक फूल का पत्ता या एक पत्ती ही अपने जूड़ा में लगा लेगी तब दंडवत। स्वयं अलंकृत जो अपने को अलंकृत करके पूजन करो। तो सवायाभ्यंतर सुचि पवित्र होकर के प्रमत्त अप्रमत्त होकर अनुष्ठान करो। अगर कहीं जमवाई इत्यादि आ जाती तुरंत आचमन करो, प्राणायाम करो। तो दत्तात्रेय जी ने बताया वत्स तुमसे ये प्रमाद हुआ है, अब तुम इस एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। अब इस तरह से माइक पे वो बताना
उचित नहीं है, आप लोग देख लेना, अपने गुरुजनों से पूछ लेना, या पुस्तक खाइए कभी, इसका तुम अनुष्ठान करो। तो भगवान उस अनुष्ठान के पूरा होते गणपति प्रसन्न हो गए, प्रकट होके उन्होंने कहा, वत्स तुम अरण्य में जाकर के तपस्या करो, जब तो राजा ने सोचा इसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये एकांत में अरण्य में कैसे अनुष्ठान करेगा। लेकिन मैंने बताया कि अनुष्ठान से उत्पन्न संतान थी, पवित्र थी, तेजस्विनी, तेजस्वी थी। उन्होंने कहा पिताजी मैं जाऊंगा। उसने जल भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया कि शारीरिक क्रियाएं कैसे कर पाएंगे, केवल वायु पान करके अनुष्ठान किया। और फिर प्रभु कृपा से उन्हें कहा तुमने, तुम्हारे पिता ने इतना अनुष्ठान किया है, विप्रो ने इतना अनुष्ठान किया है, वत्स तुमने भी मनोयोग पूर्वक पिताजी के आग्रह करने पर भी तुम एकांत में आकर के यहाँ अनुष्ठान किए, जाओ अब तुम्हारे दो हाथ पर क्या है, 500 तुम्हारे इधर और 500 और तू इंद्र से भी अधिक तेजस्वी हो जाएगा। हम लोगों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए, जैसे हम लोग जब इत्यादि पूजा इत्यादि करने में प्रमाद करते हैं, प्रमाद नहीं, आप देखो हमारे द्वारिकाधीश में जब आरती करते हैं तो हमारे पुजारी जो हैं वहाँ के, वो भगवान से कोई कमजोर अलंकार नहीं पहने आते, अच्छा चल होती सब तमाशा करते हो, हाथ से नाच नाच के आरती करते हैं, ये भगवान की सेवा हुई, भगवान के प्रति आदर है, प्रेम है, इसलिए सजवा लेकर के जाओ, बाहर से भी सजो लेकिन अंदर से अधिक सजो, ऐसा सज करके और सजग हो करके अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान में कोई भी जप का है, पाठ का है, ध्यान का है, हवन का है, तर्पण का है, मार्जन का है, और तो और ब्राह्मण भोजन का भी अनुष्ठान है, उसमें भी सावधान हो करके सब वाही आभ्यंतर शुचि अलंकृत्य, आप बाहर से अलंकार धारण करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण भी दोषों से रहित होकर के सद्गुणों से अलंकृत हो जाएगा, तुम्हारी साधना सहज, साधना काल में ही सुख मिलेगा, साधना के अनंतर जो होगा वो तो देखा जाएगा, ये तो नगद सौदा है, जप करने में क्या आनंद है, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री, घोर घोर पी मौज हो। हमसे किसी ने पूछा था महाराज तीवर का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैंने कहा मौज मारना चाहिए, मौज मारने के लिए तुम जी, और क्या है, हमारा स्वरूप आनंदमय है, सच्चित आनंदमय स्वरूप हमारा है, हमने उसको ढक रखा है इन अनुष्ठानों से, सद्गुरुओं की कृपा से, और यद किंचित उनके अनुग्रह से अपने प्रयास के द्वारा आनंद की उपलब्धि करो। पराये से कभी सुख नहीं होता है, जब भी सुख होगा आपको अपने आप से ही होगा, वो अपने सुख को प्रकट करो, परमात्मा आप सबका मंगल करें। सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन, पूज्य वैद्य ऋषि कुमारों और आचार्य गण को प्रणाम, तथा आप सब लोग जो यहाँ बैठे हो और विज्ञान के माध्यम से माई डियर जो हमारे पास बैठे हैं, उन सबके प्रति मंगल कामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री